Today our block on Mahendragiri Hill Station of Odisha, which is in Gajapati district, it is the second highest peak point of Odisha, near about 5,000 feet above from the ground. Namaskar. और एक नए ब्लॉग में आपको स्वागत है। आज का हमारा ब्लॉग था उड़ीसा का महेंद्रगिरी हिल्स, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आता है। उसका आज हम लोग एज एक सडन प्लान किए घूमने के लिए। सुबह हम लोग निकल पड़े, अभी हम लोग का पेट्रोल भराई हो गया, अभी हम लोग निकल पड़े। 5-6 बाइक लेके हमारा दोस्त लोग सब आज प्लान किए कि महेंद्रगिरी हिल्स जाएंगे, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट में आता है, नियर अबाउट ब्रह्मपुर, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट का ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर से 100 किलोमीटर आता है। तो हम लोग हमारे जर्नी स्टार्ट कर दिए। आफ्टर 100 किलोमीटर्स, नियर अबाउट 85-90 किलोमीटर्स कंप्लीट, हम लोग आके इसको जो हिल्स का पादेश में हम लोग पहुँच गए। अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं उन लोगों का, जैसे खेती बाड़ी कैसे करते हैं, कैसे गुजारा मिटाते हैं, जो आप नीचे दिखा रहे थे जैसे उन लोग का खेती बाड़ी है, कैसे सोपान प्रणाली में चाष इन लोग करते हैं। और ये एरिया को आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक जन्नत को आ गए हैं। उन लोग का रहना, उन लोग कैसे रहते हैं, कहां से कैसे कम्युनिकेशन है, ये सब आपको जान के लगेगा कि दुनिया में हम लोग तो और बहुत बेहतरीन जगह में हैं। इन लोग के पास कुछ तो सुविधा नहीं पहुंच रहा है फिलहाल, जो भी है इन लोग भगवान का आशीर्वाद पे अच्छे भले रहते हैं। हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं नियर अबाउट अभी 80-95 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं, देख रहे होंगे। अभी हम लोग वही पहाड़ का पादेश से अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जो कि महागिरी हिल्स। कितना यू टर्न्स है, कितना टॉप इंक्लाइंड रोड है। ये ट्रैवल जो कि बाइक राइड मस्त भी था उस दिन, और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था। जितना हम ऊपर जाएंगे बारिश भी आप लोगों को महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा था, मौसम भी पूरा ठंडा था एकदम। ये जो बाइक ट्रिप था, ये लाइफ में हम लोग सबका याद रहेगा, यादगार लाइफ ट्रिप। और जगह भी वैसे हेवन जैसा है, जैसे लगता है कि आप हेवन को टच करके आए। आपको जाएंगे तो इसका मजा फील कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत धांसू होने वाला है, आप लोग को दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए ब्लॉग का लास्ट तक, कैसे हम लोग महावीर हिल्स गए, महावीर हिल्स में क्या है, और कैसे हम बोलते हैं कि इसको आसमान को हम टच करते हैं। और उसके बाद ट्रैकिंग जो बोलते हैं, ट्रैकिंग कितना दूर हमको करना पड़ेगा महावीर हिल्स का टॉप को पहुंचने के लिए, जो उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट पीक पॉइंट बोलते हैं। उधर तो हमको पहुंचने के लिए नियर अबाउट 5,000 फीट के ऊपर, जो टॉप पॉइंट ऊपर जाने के लिए कैसे हमको ऊपर पहुंचना पड़ता है, वो सब हम ये ब्लॉग के थ्रू में दिखाएँगे। आप हमारे साथ पूरा जुड़े रहिए ब्लॉग तक, और एन्जॉय कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे आप लोग को हम लोग दिखा रहे हैं कि बादल कैसे पहाड़ का पिक पॉइंट को छू के जा रहे हैं। एक जगह जो कि लेबल जगह था, उधर हम रुक गए थोड़ा ये नज़ारा फील करने के लिए। मगर हमको और जाना पड़ेगा, जो पूरा पिक पॉइंट में जो बादल छू रहा है उधर जाने के लिए और 5 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा। वैसे भी और यू टर्न्स आएगा, थोड़ा रास्ता और जाना पड़ेगा। तो चलिए उधर तक जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारा ब्लॉग का मकसद है महागिरी हिल स्टेशन का पिक पॉइंट, जो कि 5,000 फीट अबव है, उधर तक जाने के लिए और थोड़ा रास्ता बच गया। तो चलिए अभी देख सकते हैं हम लोग आके पहुंच गए हैं। जितना तक बाइक राइडिंग हो सकता था इससे ऊपर नहीं जाएगा। इधर से हम लोग का स्टार्ट होगा ट्रैकिंग, जैसे पैदल में जाके जाना पड़ेगा वो पहाड़ी का ऊपर तक। ये आप जो मंदिर दिखा रहे हैं, ये है युधिष्ठिर का मंदिर बोलते हैं। ये पहाड़ का एक रहस्य जो है कि बोलते हैं पंचु पांडव वनवास जिस टाइम पे गए थे,
इसी पहाड़ में आके उन लोग रहते थे। इधर परशुराम मंदिर भी है, भीम मंदिर भी है। तो इधर यह युधिष्ठिर मंदिर, भीम मंदिर बोलते हैं कि महागिर हिल स्टेशन का जो पिक पॉइंट ऊपर में है, जो कि हम लोग जाएंगे अभी ट्रैकिंग के द्वारा, जो कि हम लोग को बहुत टफ होने वाला ये ट्रैकिंग, क्या है ना, पहाड़ के ऊपर चलने का हमारा अभ्यास भी नहीं है और ये एरिया भी पूरा हरा भरा भी भरा हुआ है। अप एंड डाउन क्लाइंबिंग, इट्स वेरी हार्ड टू गो देयर, प्लीज़ कोऑर्डिनेट विथ अस। हमारे के लिए ये ट्रैकिंग भी फर्स्ट टाइम था और बहुत मज़ेदार भी था। उस दिन हम लोग बहुत थके होकर जा रहे थे। ये सफ़र लगभग हमको 1 किलोमीटर अराउंड था और ये 1 किलोमीटर हमको लग गया 1.5 घंटा करीबन चलते चलते पहुंचने के लिए। हमारे से कोई साथी लोग बहुत जल्दी भी पहुंच जाते थे, कोई पीछे भी आ रहा था। हम लोग पूछ के भी जा रहे थे जाने के टाइम पे, क्या है भाई ऊपर कैसा है नज़ारा, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, जाने के बाद आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि ऊपर हम जा रहे हैं, आपको बता रहे थे, ऊपर है भीम मंदिर, जो कि सबसे बेस्ट नज़ारा, जो कि महेंद्रगिरी जो हिल स्टेशन जो बोलते हैं ना आसमान को छूते हैं, उधर जाने के बाद पता चलेगा रियलिटी में क्या है। रियल हम लोग तो वही फील किए थे। तो जुड़िए हमारे साथ, आगे बढ़िए, हम पहुंचते हैं महेंद्रगिरी का हिल स्टेशन जो कि पिक पॉइंट में। हम लोग ऊपर तो आके पहुंच गए, इतना कष्ट करने के बाद अभी हम लोग ऊपर आके पहुंच गए। जैसे ये सीन में हम लोग दिखा रहे हैं एक छोटा सा मंदिर, वही है भीम का मंदिर, जो कि इतना सुंदर का व्यू है। और हम लोग अभी मंदिर का अंदर भी जा रहे हैं भीम जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो चलिए अंदर घुसते हैं, आशीर्वाद लेकर भी आते हैं। एक इधर कहावत है, जो छोटा रास्ता रखा हुआ है मंदिर के अंदर जाने के लिए, जो जाता है उसका सुख प्राप्ति होता है। तो जाइएगा ज़रूर जब आएंगे। तो इधर हम लोग फोटो सेशन भी किए हैं और ऊपर का जो सिनारियो दिखा रहे हैं, आप लोग एंजॉय भी कीजिए। तो ये वाकई हेवन से कम नहीं है। इधर पूरा हवा तेज चल रहा था, पानी का बूंदे सब हमारे ऊपर आकर गिर रहा था, जैसे लग रहा है हम लोग स्वर्गपुरी को आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए, हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे ये है टॉप द सेकंड हाईएस्ट पिक पॉइंट ऑफ उड़ीसा, जो गजपति डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बैठे, थोड़ा एंजॉय किए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, तो देखिए और एंजॉय कीजिए।
ऊपर हिस्सा में बहुत एंजॉय करने के बाद करीबन 2 से 3 घंटा हम लोग टाइम स्पेंड किए, और इधर से आने का तो वाकई में किसी को मन नहीं कर रहा था, मगर रह भी नहीं सकते, हमको लौटना पड़ेगा। हम लोग दोस्त लोग सब लौट आए। हमको तो बहुत अच्छा लगा ये जगह, जैसे कि हमको लगा कि हम स्वर्ग को छू कर आए हैं। वाकई में जैसे होता है स्वर्गपुरी, हम लोग स्वर्गपुरी को आए थे। यह भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है तो कोई आ नहीं पाते हैं, सब लोग का ये कहना है। आप लोग आइए, भगवान को आशीर्वाद इधर से आपको मिलेगा, जो मांगते हैं वो भी मिलता है। बोलते हैं इधर सूर्य का पहला किरण यही पर्वत के ऊपर भी पड़ता है। आप लोग आइए इस जगह को, आप लोग को आने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा। यदि भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। धन्यवाद।